लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अंग्रेजों के जुल्म अभी कम नहीं हुए थे कि उन्होंने लूट मार का रास्ता भी अख्तियार कर लिया और हमारे मुल्क के कीमती खजाने को लूट कर वो यहां से बाहर भेजने लगे। जल्दी करो ऊपर पीछे रखो इसको। कर्दन साहब, खजाना तो सब लूट लिया है, लेकिन इनका क्या करना है? इनके बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। जल्दी सोच लो कर्दन साहब, अगर राजा आजाद सिंह को पता चल गया कि आप हमारे देश का खजाना लूट कर ले जा रहे हो तो याद रखो वो तुम्हारे किसी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारी नहीं, अपनी फिक्र करो कि तुम में से कौन जिंदा बचेगा। जनरल डायर। यस सर। एयरपोर्ट चलने की तैयारी करो। ओके सर। साइमन, इन सब का नाम भी शहीदों में शामिल कर दो। ओके सर। हमारी तरफ से इनाम। शुक्रिया शुक्रिया राजा साहब। डॉक्टर। राजा साहब। शमशेर, क्या हुआ शमशेर? अंग्रेजों ने किले पर हमला करके सारा खजाना लूट लिया है और लाशों के ढेर बिछाकर चले गए हैं। जल्दी करो। वर्ल्डन डॉर, वर्ल्डन साइमन, तुम हिंदुस्तान को ही तरह लूटते रहो। ये मुल्क जितना नीचे जाएगा तुम लोग उतना ऊपर जाएगा। मैं सरकार से तुम्हारे प्रमोशन की सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। We'll be right back.
मुझे माफ कर दो राजा साहब। माफी उन बेगुनाहों से मांगना करजन जो ऊपर तेरा इंतजार कर रहे हैं। बुजदिलो, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। जनरल डायर, यहां आते हुए हमने आप लोगों के कई जुल्म देखे। आप लोगों ने राजा आजाद सिंह के खजाने को लूटा, उसकी प्रजा को मौत के घाट उतारा। इसका जिम्मेदार कौन है, आप या आजाद सिंह? आजाद सिंह नहीं, राजा आजाद सिंह कहो। राजा नहीं, बागी। उसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सर उठाया है। आपने उनकी खुददारी को ललकार कर उन्हें बगावत पर मजबूर किया होगा। मजबूर तो आप लग रही है कजिन हेलेना। आपके दिल में आजाद सिंह के लिए हमदर्दी, ये बात तो सभी जानते हैं। कॉलेज के दिनों में आजाद सिंह और आपकी काफी गहरी दोस्ती थी। That's enough, General. ये मत भूलो कि हम यहाँ अपने हस्बैंड गवर्नर फिलिप्स की इजाजत से तहकीकात करने आए हैं। तहकीकात? उस मुजिल की करने आई है, उस कायर की जो हमसे छुपता फिरता है। छुपते चोर हैं डायर, हम तो मौत बनकर दुश्मनों के सर पर मंडराते हैं। हरामजादो, निकालो वो खून बाहर जो तुमने हमारी प्रजा का पिया है। बस करो राजा आजाद सिंह, बहुत खून बह चुका है इस मुल्क में, अब और मत बहाओ। थोड़ा सा खून क्या बहा है अंग्रेजों का? आप देख ना सकी लेडी हेलना, तो हम अपने गरीब जनता का बहता हुआ खून कैसे देखते। आजाद सिंह, इस तरह में एक दूसरे का खून बहाते रहे तो एक दिन इस देश की गंगा जमुना का पवित्र पानी खून में रंग जाएगा। रोक तो इस बदले की आग को। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी हुकूमत से आपके लिए इंसाफ की भीख मांगेंगे। भीख नहीं, हमें हक चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको आपका हक मिलेगा, लेकिन हम भी एक वादा चाहते हैं, आपकी तरफ से इन पर दोबारा हाथ नहीं उठाया जाएगा। हम जबान देते हैं लेडी हेलना, शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होगी। जय मातृभूमि। हमने उन्हें जबान दी है। जुबान आपने दी है कजन हल्ला, हमने नहीं दी है। पकड़ लो इसको। हरामजादो, पीठ पर मारा है, अब सीने पर खाओगे। जिंदा या मुर्दा, आजाद सिंह को पकड़ने वालों को 20,000 रुपया इनाम। हटाओ इसे। 20-25 हजार की मामूली रकम के लिए कोई भी हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को नहीं बेचेगा हजूर। और फिर आजाद सिंह की कीमत तो ज्यादा होगी, ये राजा है। राजा राजा था है नहीं, लेकिन वो दोबारा हाथ में आएगा कैसे? अगर आप चाहें तो ये काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन तुम भी तो हिंदुस्तानी है। ओह सरकार, अपना आधा हिंदुस्तानी खून तो पानी है, लेकिन बाकी का आधा तो प्योर इंग्लिस्तानी है। ओके ओके, क्या इनाम चाहिए? कुछ नहीं सरकार, बड़ी मामूली सी। वो सामने सफेद झोंपड़ा देख रहे हैं ना आप? झोंपड़ा? वो तो महल है सरकार, आपके लिए तो झोंपड़ा ही है, सिर्फ 100 कमरे तो है उसमें। हुजूर, अगर आप ये महल इन्हें दे दे तो आजाद सिंह तो क्या, ये अपने स्वर्गवासी बाप को भी लाके आपके कदमों में डाल दे। हमें मंजूर है, लेकिन तुम उसे पकड़ोगे कैसे? मैं नहीं पकड़ूंगा सरकार। लीजिए। पकड़ेंगे आप, और नाम भी आप ही का होगा। मैं तो सिर्फ उसे बेहोशी का इंजेक्शन दूंगा। लगता है डॉक्टर आ गए। गुड आफ्टरनून रानी दीदी। आइए आइए डॉक्टर हैरी। सॉरी राजा साहब, आने में थोड़ी सी देर हो गई। डॉक्टर, हमारा ख्याल था कि ऐसे आड़े वक्त शायद आपका आधा अंग्रेजी खून कहीं। जी जी जी, राजा साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप। माना कि हमारा आधा अंग्रेजी खून पानी है, लेकिन बाकी का आधा खून तो प्योर हिंदुस्तानी है। आए, जख्म तो काफी गहरा है। डॉक्टर, जख्म तो गहरा तब होता जब ये अंग्रेजी गोली सीना चीर कर निकल जाती। मामूली सा जख्म है, ये लो खंजर और निकाल दो गोली। गोगा। यस सर। इंजेक्शन।
बहादुर, ये क्या हरकत है? ये कैसे जानवर पाल रखा है आपने राजा साहब? जानवर है लेकिन वफादार, अपने मालिक के बदन में एक सुई भी चुभते हुए नहीं देख सकता हूँ। चलो बैठिए। गोगा देखिए आखिरी है। क्या वक्त आ पड़ा है, हम आपकी फीस भी नहीं दे सकते। अरे राजा साहब आप सलामत रहे, फीस तो क्या, हम जागीर लेंगे जागीर। अच्छा राजा साहब, गुड बाय। शुक्रिया मेरे दोस्त। डॉक्टर हैरी अब आप कब आएंगे? अब तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रानी साहिबा, राजा साहब का इलाज पूरा हो चुका है। अच्छा गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। सर जिसका इलाज आपके हाथों होगा उसे तो गॉड भी ब्लेस नहीं कर सकता। क्या हुआ आपको, क्या हुआ? चक्कर सा गया। दुश्मनों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है, तुम हमारे बच्चे को लेकर फौरन यहां से निकल जाओ। बहादुर तुम्हारे साथ है। नहीं, नहीं। जिद मत करो दुर्गा, हम अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकते, जाओ। दुर्गा आज हमारे बच्चे का नाम रखने का दिन है ना? जी। ये रस्म पूरी करके ही हम अपने बेटे को विदा करेंगे। ये मैं नहीं देख सकती। लेकिन कल सारा जमाना देखेगा और पूछेगा कि कौन है वो शेरनी औरत जिसने शेर मर्द को जन्म दिया। मर्द? और मुस्कुराता हुआ। जा बहादुर जा, आज तेरी पीठ पर मेरे खानदान की जिम्मेदारी है, जा। शाबाश।
मैं किसका बच्चा उठा लाया? क्या बात है बेटी? पापा, मैं अपना बच्चा यहाँ छोड़ गई थी। कहाँ है मेरा बच्चा? बेटी, हमें तो कोई बच्चा नहीं मिला। क्या? कोई बच्चा नहीं? तो कहाँ गया मेरा बच्चा? कौन ले गया मेरे बच्चे को? कहाँ गया मेरा बच्चा? कहाँ गया मेरा बच्चा? अच्छा हो जमुना तुम आ गई, लो बच्चे को संभालो। ये बच्चा किसका है? पता नहीं जमुना, ये घोड़ा कहीं से ले आया था इसको। ये तो वही घोड़ा है जो अनाथ आश्रम से बच्चे को उठाकर भाग रहा था और अंग्रेज सिपाही इसका पीछा कर रहे थे। इसका मतलब ये बच्चे की जान को खतरा है और हम इसे पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते। क्यों ना हम इस बच्चे को अपने पास रख ले। मैं रोज दुर्गा माँ के मंदिर में बच्चा ही तो मांगने जाती हूँ, शायद उसी ने मेरी सुनी गोद भर दी हो। ठीक है, हम इस बच्चे को रख लेते हैं, पर जमुना न जाने किस डाल से टूटा है ये फूल। भागी आजाद सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत की, इसलिए हम उसको ऐसी सजा देंगे जिसे देखकर आइंदा कोई भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार डॉक्टर हैरी की बहादुरी और हिम्मत से खुश होकर यह महल और सर का खिताब उनको इनाम में देती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अंग्रेजों के वादे की तो सारी दुनिया कसम खाती है सर। और जब गद्दारी की बात छिड़ेगी तो दुनिया तेरे नाम की कसम खाएगी हरी। लेकिन इस जन्म में तुम्हें वो दिन देखना नसीब नहीं होगा आजाद सिंह। ना सही, लेकिन याद रखो जिसे मैंने जन्म दिया है वो शेर दिल मर्द एक दिन तुम लोगों से जरूर टकराएगा। वो बदला लेगा तुमसे हैरी तुम्हारी गद्दारी का, इन अंग्रेजों से इनकी मकारी का। वो हिला के रख देगा अंग्रेजी हुकूमत की बुनियादों को। हुक्म दीजिए सर। खींचो, छोड़ दो इसके हाथ पैर। जय भारत माता की। खींचो सब लोग, खींचो। चलो why you bastard, खींचो। किसके ऑर्डर से रोका जा रहा है ये? हाई कमांड का ये फैसला है कि आजाद सिंह की जान नहीं ली जाए, उन्हें सिर्फ कैदी बनाकर रखा जाए। ये लो, खोल दो इन्हें। टेडी हल्ला। आपने अंग्रेजी हुकूमत से मेरी जिंदगी की भीख मांगकर अच्छा नहीं किया लेडी हेलना। आज एक आजाद सिंह मरता तो कल भारत माता को आजाद कराने के लिए हजारों आजाद सिंह पैदा होते। नहीं आजाद सिंह, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे वतन की अमानत है। एक आजाद सिंह के मरने या जिंदा रहने से अंग्रेजी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले जाओ इसे, ले जाओ उसको।
इतना गुरूर मत करो कजन डायर, वक्त का पहिया कब किस वक्त घूम जाए ये कोई नहीं कह सकता। अरे रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, रुक जाओ, आहिस्ता आहिस्ता। ओह माय गॉड, आपने अभी गाड़ी चलाना सीखी है, इसके पास लाइसेंस वगैरह भी कुछ नहीं है। सर हेरी, आपकी बेटी है, उसे लाइसेंस की क्या जरूरत है? दो चार आदमी मार भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इसको कहीं खुद को चोट ना लग जाए। बॉडीगार्ड साथ में है साहब। चल बादल, आज की बोनी यहीं से शुरू करते हैं। देखा मेम साहब, इसे चाबुक कहते हैं। इसका इस्तेमाल बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज इंसानों पे किया जाता है। इसका इस्तेमाल मैं भी जानती हूं। एक बार ये चाबुक मेरे हाथ लग जाए तो सारा जिस्म छन्नी छन्नी कर दूंगी। पीठ पे मारा है, सीने पे खाओगे। तुम्हारे बॉडीगार्ड की बॉडी तो मैंने तुम्हारे कार के बॉडी में रख दी है, अब रही तुम अपने गुरूर के घोड़े से नीचे उतर और माफी मांग इस औरत से जिसकी जान तुमने अपने कार के पहियों के नीचे रख दी थी। माफी? किस बात की माफी? मैं विलायत से जरूर आई हूँ, लेकिन जानती हूँ यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। गरीब जान मूझ के हमारी गाड़ियों के नीचे आते हैं,
पांव टूट गया तो 5,000 रुपए, हाथ टूट गया तो 10,000 रुपए, और अगर जान चली जाए तो 50,000 रुपए भी मांग सकते हैं। बोलो, इस बुढ़िया के जख्मों की क्या कीमत है? कीमत तो इनके जख्मों की इतनी ज्यादा है मेम साहब कि तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारे जिस्म की सारी बोटियां काटकर अगर तराजू पे रख दी जाए तो पूरी नहीं हो सकती, और इतनी कम भी हो सकती है कि तुम सिर्फ हाथ जोड़कर इनसे कहो कि मुझे माफ कर दो। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई ये बुढ़िया तुम्हारी माँ लगती है। ऐसा ही समझ लो, हमारे लिए तो हर माँ अपनी माँ होती है, इसलिए तुम उस वक्त तक यहां से नहीं जा सकती हो जब तक मेरी माँ से माफी ना मांग लो। चल माफी मांग, चल। ऑल राइट, मुझे माफ कर दो। ये बोल नहीं सकती, लेकिन इनके चेहरे की झुर्रियों में दुख के हजार दास्तानों के साथ ये भी लिखा हुआ है कि जाओ बेटी, तुझे माफ किया, अब आप जा सकती हैं। चल माता जी, अस्पताल ले जाओ, चल। मां, अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा ना, ये जख्मों का इलाज कराना है, आ जा, चल। बॉडी गार्ड माय है। मोती, मां का ख्याल रखना। क्या नाम है तुम्हारा? वही जो हर औरत की जुबान पे होता है। जिसके सीने में दूसरों के लिए दर्द होता है असल में वही मर्द होता है। आज से तुझे हम राजू टांगे वाला नहीं, मर्द टांगे वाला कहेंगे। बहरे मेरे शेर। क्या बोलती मां, यही रख लूं क्या? दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला। पत्थरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। पत्थरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। ओ खत्म तेल को तोड़ दे दम, मरते दम तक चले तम तम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला। परेशान है अपने किस्मत पे हैरान है, माँ क्यों परेशान है, माँ अपने किस्मत पे हैरान है। सुख तो दो दिल की
पता क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला जाको राखे साईया मार सके ना कोई ए जाको राखे साईया मार सके ना कोई अरे जाको राखे साईया मार सके ना कोई अरे माल न बाका कर सकेगा जो जग मेरी होए 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 जाको राखे साईया मार सके ना कोई अरे इधर जाने का इधर अरे अरे इधर बाएं जाने का तो बाएं जाने को बोला अरे अबे वो साला पीछे रह गई बाहर चला जा भाई ए बादल किधर आ गया बाल अनाथ आश्रम अबे यहां कहां आ गया अरे अरे बादल अरे क्या हो गया रे तेरे को अबे दवा खाने ले जाने के बजाय यतीम खाने कहां ले आया है ए बादल क्या बात है बेटे पता नहीं बाबा ये मेरा घोड़ा पता नहीं हमें यहां क्यों ले आया माजी इस पल्ले में क्या देख रही हो तुम बेटे वर्षों पहले ये बेचारी अपना बच्चे इस पालने में छोड़ गई थी ना जाने कौन उठा कर ले गया लेकिन बादल यहां क्यों राजू भैया जल्दी चलो हैरी और साइमन अपनी बस्ती तोड़ना चाहते हैं हैरी और साइमन हाँ माँ जी रामू आपको दवा खाने ले जाएगा मुझे बस्ती पहुंचना है ए रामू हाँ ये ले पैसे माँ जी चलो आजा शाबाश ये बैठो चल मोती ये बस्ती हम किसी भी कीमत पे खाली नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे बस्ती वालों बस्ती खाली कर दो वरना साइमन साहब तुम्हें तोप और बंदूकों से उड़ा देंगे ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं बना लो एक और जलियां वाला बाग यहाँ और रंग दो इस सफेद हवेली को हम गरीबों के खून से बस्ती वालों ये मेरी आखिरी वार्निंग है जिद मत करिए अपनी हत्या इस टैंक के सामने टिक नहीं सकते लेकिन अपनी इस मिट्टी के लिए मिट तो सकते हैं साइमन साहब अंग्रेजी सरकार के पास कोई ऐसी तोप नहीं जो 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को खामोश कर सके सहमान ऑर्डर छोड़ दो मुझे मैं नहीं जाऊंगा एम एंड फायर Thank you.
That's good. Grab these dogs. ये सब क्या हो रहा है? लेडी हेलेना, ये लोग बगावत कर रहे थे। बगावत क्यों? 24 घंटों का टाइम देने के बाद भी इन लोगों ने बस्ती खाली करने से इनकार कर दिया। लेडी, इस इनकार को आप बगावत कहते हैं? आपके पास बस्ती खाली करवाने के कोर्ट के ऑर्डर्स हैं? सारे मुल्क पर हमारा राज है कजन हेलेना। कौन सी जगह को तोड़कर उस पर क्या बनाना है, इसके लिए हमको ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है। जनरल डायर ठीक कहते हैं। आप इस शहर के मेयर हैं। मेयर शहर को बसाता है, उजाड़ता नहीं। आई बेग योर पार्डन लेडी हेलेना, शहर की गंदगी को दूर करना शहर को उजाड़ना नहीं होता। अगर गंदगी से आपको इतनी ही नफरत है तो इन गरीबों की बस्तियों को तोड़वा करने के लिए पक्के मकान बनवाते, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाते, बिना इलाज के जो ये घुट घुट के बेमौत मरते इनके लिए अस्पताल बनवाते, ना कि इनने हाथों पर बंदूक और तोप चलवाते। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं मैडम। हम तो इस बस्ती को तोड़कर यहाँ एक खूबसूरत जू बनाना चाहते हैं, जहाँ हम दुनिया भर के खूबसूरत जानवरों को लाकर रख सके। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इंसानों से दिल नहीं भरा तो जानवरों की आजादी को छीन कर उन्हें कैद करना चाहते हो, ताकि विलायत जाकर अपने लोगों से कह सको कि हिंदुस्तान का इंसान ही नहीं बल्कि उसका जानवर भी तुम्हारा गुलाम है, यही ना? बस ऐसे ही सरफिरे लोगों की वजह से हमारा ये देश तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन जब यहीं पर जू बनकर तैयार होगा तब यही नहीं मेयर साहब, नहीं, जब वो चिड़ियाघर बनकर तैयार होगा तो उसके बाहर एक तख्ती टांग दी जाएगी जिस पर लिखा होगा कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ऐसा लगता है तुम उसी आग के शोले हो जिसे बरसों पहले मैंने इसी जगह भड़कते देखा था। छोड़ दो इसे। मेयर हैरी, बस्ती वालों का जितना नुकसान हुआ है वो आप लोग अपनी जेब से भरेंगे, और इस लड़के के साथ अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो आपसे आपकी मेयर की कुर्सी छीन ली जाएगी। आज पहली बार पता चला कि सभी गोरों का दिल काला नहीं होता। मेम साहब, जो आज तक मैंने किसी अंग्रेज को नहीं किया वो आपको करता हूं। शुक्रिया। अबे रात की उतरी नहीं क्या? ओहो ओहो हो, चलो। अरे लाला, एक तो आप ऊपर से ये सामान टांगा तो क्या ट्रक भी ना चले? चलना है तो चलो, ज्यादा बड़बड़ नहीं, समझे? नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। बट कहाँ जाने का? जन्नुम में। सिर्फ जाना ही जाना है कि वापस भी आना है? फिलहाल तो तुम्हें हमारे साथ जाना ही जाना है तांगे वाले, वापस आना ना आना मेयर हैरी की बेटी ही बताएगी। अरे ओ दरोगा साहब, अगर किसी टांगे वाले पे हाथ भी उठाया ना तो हम सब टांगे वाले अपनी जान पर खेल जाएंगे। ठहरो ठहरो ठहरो, किसी को अपनी जान पर खेलने की जरूरत नहीं है। जरा हम भी चलकर देखें कि हैरी की बेटी को हमारी इतनी क्या जरूरत पड़ गई जो अंग्रेज पूरी नहीं कर सकते। चलो, चलो। अरे ओ लाला, हाँ। तुम्हें जन्नुम जाने का था ना? हाँ। जाओ। अच्छा, तो आप हैं इस महल के मालिक मेयर हैरी की बेटी, जो हमारी बस्ती उजाड़कर हमें घर से बेघर करना चाहता था। जो काम बाप खुद नहीं कर सका वो बेटी से करवाना चाहता है? नहीं, तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया था। अगर जिस्म दिखाने के लिए बुलवाया तो वो हमने देख लिया, और कोई काम हो तो फटाफट बताओ, धंधे का टाइम हो रहा है। धंधा मुझे मालूम है तुम्हारा,
टांगे में घोड़े के साथ जुते रहते हो, रात तक कमाई कितनी होती है? जितनी होती है अपने लिए काफी है मेम साहब। घोड़े को दाना मिल जाता है, अपने को खाना मिल जाता है। ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बातों से तो तुम बड़े मगरूर लगते हो। मगरूर नहीं मेम साहब, खुददार। आपकी महल का गुंबद बहुत ऊंचा सही, मगर हमारी खुददारी का कद उससे कम ऊंचा नहीं। तुम्हारी ये बात मुझे पसंद आई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और भी बड़ा बना दिया जाए, अपने बॉडीगार्ड की नौकरी देकर। मुझे आपकी नौकरी मंजूर नहीं मेम साहब। नौकर कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका सर मालिक के जूतों से ऊपर नहीं उठ सकता। एक बार फिर सोच लो, मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो मेरी जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। गार्ड्स, अरेस्ट दिस मैन। चाबुक तो अब आपके हाथ में है मेम साहब, कर लीजिए अपने दिल की हसरत पूरी। हसरत तो पूरी तब होगी जब दर्द के मारे तुम चिल्लाकर कहोगे बस। बस, थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, बंधा हुआ हूं, भागने वाला नहीं। देख लो कहीं मेरे जिस्म को छलनी करते हुए तुम्हारे हाथ में छाले तो नहीं पड़ गए। देख लो, देख लो। पड़ जाने दो हाथों में छाले, मगर दिल पे जो जख्म है उन्हें तो चैन मिलेगा। जख्मी दिल चैन नहीं पाते मेम साहब, जला करते हैं। अगर ये दिल जला है तो मैं भी तुम्हारे जख्मों को जला दूंगी। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। इसी नमक के लिए तो हमारे एक महात्मा ने आंदोलन किया था। उस दिन हजारों शहीदों का खून बहकर इस नमक में मिल गया था। आज इसे मेरे जिस्म पे मलकर तुम उन शहीदों के खून को मेरे खून से मिला रहे हो। ये नमक, नमक हरामों के जख्मों को जलाता होगा मेम साहब, नमक हलालों के नहीं। ये क्या हो रहा है रूबी बेटे? इसकी खुददारी का कद बहुत ऊंचा है डैडी, मैं इसे अपने कदमों पे झुकाना चाहती हूँ। ये काम तुम हम पर छोड़ दो। देखो बेटे, तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, आज शाम को जनरल डायर तुम्हारे डांस का प्रोग्राम देखने आ रहे हैं। उस दिन तो लेडी हेलेना ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब मेरी बेटी तुम्हारे घमंड और खुददारी को भरी महफिल में तमाशा बना देगी। हमें तुम्हारी बेटी पसंद है। हमने तय किया है कि तुम्हारी बेटी रूबी की शादी हमारे बेटे डैनी के साथ होगी। थैंक यू वेरी मच सर, यह तो मेरे लिए फखर की बात है। बस एक बार मैं रूबी से पूछ लूं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? चीयर्स। चीयर्स।
कोई हिलेगा नहीं। उठ जाओ। नमक के इस ढेर में कैसे लग रहा है? जिस्म पर सैकड़ों चिंगारियां फूट रही हैं, लेकिन दिल में हजारों फूल खिल उठे हैं और हर फूल यही कह रहा है कि you husband and wife. Look, 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 look.
अच्छी। लड़ाने चली थी, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। काट के दिखाओ। जो तुम मांग रही वो काटने की नहीं बांटने की चीज है। तो फिर बांटो ना मेरे साथ। मेरे बदन का एक एक तार तुम्हारे लिए तड़प रहा है। इन तारों को छूकर मुझे कली से फूल बना दो ना। फूल तो बना दूंगा मैम साहब, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। बचपन तुम्हारा अभी खत्म नहीं हुआ, जवानी शुरू नहीं हुई। बीच में कहीं गड़बड़ हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी बताइए, कैसे समझाएं भाई इसे? अरे बेवकूफ लड़की, तुझे नहीं मालूम कहीं तो कम से निकली ना तो ये 6 फुट का आदमी 7 साल के लिए अंदर हो जाएगा। और अगर मैं कम से ना निकली तो? तो 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 फिर तो फिर क्या? ये तो गई। चारों तरफ पुलिस दौड़ा दी थी। उसकी कोई जरूरत नहीं थी डैडी। जिस मर्दानगी के साथ वो मुझे आप सब के सामने से उठा के ले गया, उसी मर्दानगी के साथ वो मुझे बाइज्जत छोड़ गया। एक मिनट, ये सब खराशें कैसी हैं? ये खराशें मुझे उन कांटों से मिली हैं जो मैंने अपने हाथों से बोई थी। रवि, माँ, माँ, क्या हुआ तुझे? ये मोती मुझे कुछ नहीं हुआ। तेरे शरीर पर ये जख्म कैसे? अरे इन जख्मों को छोड़ मां, तेरा तो सारा हाथ जला हुआ है, कैसे जला ये? आज तो सिर्फ हाथ जला है बेटे, अब तो शरीर चलने का वक्त आ गया। देख मां, तू ऐसी बातें मत किया कर, मैं डॉक्टर को भी बुला के लाता हूँ। अरे सुन, तेरे बापू डॉक्टर लाने गए हैं, आते ही होंगे। जमुना, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। बेटे, जो उम्र पोते पोतियों के साथ खेलने की है, उस उम्र में अगर तेरी माँ काम करेगी तो हाथ तो जलेगा ही। अरे ऐसी बात है तो कोई खाना बनाने वाली रख लेते हैं। गरीब की घर खाना या तो माँ बनाती है बेटे, या बहू। लाना ही है तो कोई अच्छी सी बहू ला दे। अरे माँ, कोई ढंग की लड़की मिले तो ना। अरे बेटे, ढंग की लड़की ना आसमान से टपकेगी ना महलों से आएगी, अपनी हैसियत। इस बात में कोई दम नहीं है। हाँ, ये राजू भी किसी राजा से कम नहीं। आसमान से टपके ना टपके, आप चाहें तो महल से जरूर ला सकते हैं।
अरे इन महलों की बात छोड़ बेटे, इनकी तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। 435 रुपए चारा ने साइमन के ऊपर बहुत दिनों से बाकी हैं। जब भी मांगने जाओ मालूम है कि सब क्लब में गए हुए हैं। आज मैंने फैसला कर लिया है कि क्लब में जाके पैसे वसूल करके रहूंगा। हाय, स्टॉप दैट इंडियन। मोती बेटे तू यहीं ठहर। स्टॉप हिम, स्टॉप हिम। मैं वसूली करके आता हूँ। अंदर कहाँ जा रहे हो भाई? मैं साइमन साहब से अपने बिल के पैसे वसूल करने जा रहा हूँ। ये बोर्ड नहीं देखा तुमने क्या लिखा है? नहीं पढ़ सकते तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। कुत्ते और हिंदुस्तानियों का अंदर आना मना है, समझे? हिंदुस्तान की किस्मत पे रोना आता है जिसका एक बेटा दूसरे बेटे से बोर्ड दिखा के ये कह रहा है कि कुत्तों और हिंदुस्तानियों को अंदर आना मना है। तुम बाहर बैठ कर जितना जी चाहे हिंदुस्तान की किस्मत पर रो सकते हो मगर अंदर नहीं जा सकते। साइमन साहब, साइमन साहब, ओ तुम राजू दंगा लगा बाप? जी साहब। क्यों रात की उतरी नहीं जो अंदर चले आए हो? साहब मैं शराब नहीं पीता। बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या लिखा है? देखा साहब, मुझे कोई शौक नहीं अंदर आने का, मजबूरी में आना पड़ा। 435 रुपए चारा ने 6 महीने से बाकी हैं। इनके दफ्तर के चक्कर काट काट के मेरे जूते घिस गए। माफ कीजिएगा साहब, आज मैं पैसे वसूल करके जाऊंगा। अरे बहुत बोलता है अपने बेटे की तरह। मेक हिम रन। वेरी गुड। पैसा तो तुम्हें मिलेगा लेकिन अंग्रेजों की मेहमानवाजी देखने के बाद। ये लो, कम ऑन। नहीं साहब मैं शराब, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाता। चलो चलो। मैंने कहा ना साहब मैं शराब नहीं पीता। और अच्छा है। नहीं साहब। बैठ जा, कम हियर, यू टू कैच हिम। ये छोड़ दीजिए मुझे। चलो मुंह में डालो। साइमन का बच्चे, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो अब तुम अपना देखोगे। चलो चलो पूरा पिलाओ, पूरा पिलाओ। He's gonna be drunk for a whole year. ठीक है, चलो। क्या मोती? ऐसा क्या? ठहर जा। चल बादल। बस बस बस, उसको छोड़ दो। छोड़ दो। इधर आओ। देखो, ये चाहिए। देखो, ये तुम्हारा बिल है। क्या रह रही है? Easy, my dear fellow. साइमन, हमारी जितनी बेइज्जती करनी थी कर ली तुमने। इस पैसे की बेइज्जती मत करो, लक्ष्मी मानते हैं हम इसको, पूछते हैं इसे। लक्ष्मी नाम की आया हमारे घर में झाड़ू लगाती है, बर्तन पांचती है, जूते साफ करती है और जूते खाती है। तुम्हारी 435 रुपए वाली लक्ष्मी तो पानी में डूब गई, बाकी ना तुम्हारे चारों ने सो कैश लेती जाओ। ओहो चेंज तो नहीं है लेकिन ये किंग जॉर्ज का चार आने वाला टिकट है, जिस पर लग जाए उसका सही जगह पर पार्सल हो जाता है। हिंदुस्तानियों और कुत्तों को अंदर जाना मना है जहां ये लिखा हो। आइंदा वहां अंदर जाने की जरूरत ना करना, यू ब्लडी इंडियन। चल बादल, घुस जा।
के इन लोगों ने मुझे शराब जबरदस्ती पिला दी। लीजिए साहब, डॉग भी आ गया, इंडियन भी आ गया, उसका घोड़ा भी अंदर आ गया। अगर तुम लोगों में से किसी ने अपनी मां का दूध पिया तो हम लोग को यहां से बाहर निकाल के दिखा दे। क्यों? कोई नहीं, कोई माई का लाल नहीं। अरे मां का दूध पिया हो तो ना, साले डब्बे का दूध पी पी के सब डब्बे बन गए। हट! जो शराब पीता नहीं उसे शराब पिलाता है, देखें तेरी विलायती शराब में कितना दम है। हट! साला ये तो पानी से भी बदतर है। अब दिखाता हूं तेरे को हिंदुस्तानी शराब में कितना दम होता है। ये ले, एक बार इसे पिएगा ना बेटे तो इसका नशा कब्र में ही जाकर के उतरेगा। ये ले पी। हम हिंदुस्तानी शराब नहीं पीता है। क्यों भाई? हिंदुस्तानी खून पी सकता है, शराब नहीं पी सकता है? Hey, band master, band चालू रखो नहीं तो इसका band बजा दूंगा मैं। अरे कुत्ता, कुत्ता से बचा। हाँ किधर की औलाद? किधर तुम लोग? कुत्ता को पकड़ो। कहाँ भागे जाता है अबे? ये कहाँ खागा मुझे? अरे मुझे 4 इंच खेलने नहीं पाएंगे। 435 रुपए निकाल। 435 देता हूँ बाबा, लो लो। चल चल निकाल। मुझे कुत्ते से भाग। ये लो, ये भी लो, सब ले लो। चलाने का टिकट, ये लो टिकट भी लो, मुझे सब बचा लो तुम। बैठ। क्या है मोती, इधर क्या बोलता बे? पार्सल कर दूं क्या इसे? अरे अरे साहबन, कितना मर गया तू? अरे काश कहां मर गए तुम लोग। क्यों साहबन बेटे, तेरे जनरल कार के साथ तेरा चवन्नी का राजा भी डूब रहा है, कूद के बचा ले उसे। चल बेटे चल, छोड़ इन कमीनों को, बहुत हो गया। You dirty swine! तुमको नहीं छोड़ूंगा डाका वाला। I'm still the boss around here. राजू बेटे,
उन लोगों से तूने मुझे बचा तो लिया, मगर बेटा ये इतने खतरनाक लोग हैं कि मासूम और बेगुनाहों को उठा के कहां ले जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं चला। राजू बेटे, तुझे अगर कुछ हो गया ना तो हम तो जितने जी मर जाएंगे। आप? नमस्ते बेटे। राजू ने कल जो हरकत की है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। बहुत डांटा इसे हमने, भला इसे भी कोई किसी को उठा ले जाता है? नहीं नहीं माँ जी, ये मुझे उठाकर नहीं ले गए थे, मैं अपनी मर्जी से गई थी और यहाँ भी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आज मेरा जन्मदिन है माँ जी। अरे अरे क्या कर रही हो बेटी? आप लोगों के दिलों को तो छू कर देख लिया, अब पैरों को भी छू लेने दीजिए। जीती रहो बेटी, आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं हमारे पास देने के लिए। वही तो लेने आई हूँ आप लोगों से माँ जी। रोज आती रहो, रोज मिलता रहेगा। मैं आप सबको अपने जन्मदिन पर इनवाइट करने आई हूँ, आज शाम को आप लोग जरूर आइएगा। बेटे हम दोनों का वहाँ क्या काम? हाँ राजू अगर वो चाहे तो। भाई अपना भी कोई पक्का नहीं है, मूड बना तो आ जाएंगे। नहीं राजू तुम जरूर आओगे, ये लो तुम्हारा कार्ड, तुम्हें खास बुलाने आई हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब ये कार्ड देगा है? तेरी मेम साहब की बर्थडे पार्टी का कार्ड है, अब तू ही बोल ऐसे कपड़े पहनकर कोई पार्टी में जाता है? हाँ? वो नहीं ना फिर रुक, रुक, रुक। क्या बात है रे? ओहो धोबी घाट, धोबी घाट, समझ गया समझ गया। जा भी जाए फर्स्ट क्लास कपड़ा लेके जल्दी जा। और कुर्ता को बदलूं मैं तो मेरे को दिया पहले की मांग तो पूरी पोटली उठा के ले, चल जल्दी आजा ऊपर आजा ऊपर आजा, चल इसमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, चल चल पाता चल 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 चल। जनरल डायर ऐसा लगता है कि वो टाउन से बाहर है। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। एक्सक्यूज मी डूबी बेटे, तुमने साइमन और डायर साहब को पार्टी में ने बुलाकर अच्छा नहीं किया। डैडी बर्थडे मेरा है, पार्टी मेरी है, तो फिर गेस्ट भी मेरे चुने हुए होंगे ना। वैसे कौन से खास मेहमानों को चुन रखा है तुमने? Name it, child, name it. Father, I love the Tangewala. I want to meet him. No problem. Sunday ka church hone ke baad yaad karna use dil mein. God ko salami dena zarur phir jana use milne. Goga, ye father ka bachcha card hai. फादर के बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। Thank you.
भाई बोला हा? बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला। हे मैं तेरी टांगे वाली, तू मेरा टांगे वाला। सुन रूबिया, तुमसे प्यार हो गया, प्यार हो गया, क्या करें। सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करें। मैं तेरी टांगे वाली, तू मेरे टांगे वाला। तू मेरी टांगे वाली, मैं तेरा टांगे वाला। हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। चुप बड़ी टांगे वाला, बीच में टांग मत उड़ाओ। मन जो ऑन प्रेसस, मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। इसे ऊपर ले चलो। मेक वे प्लीज, मेक वे। सर शुक्र है बेबी को ज्यादा चोट नहीं लगी। उल्लू के बच्चे, तुम्हारे गलत निशाने की वजह से आज मेरी बेटी की जान चली जाती। सर निशाना तो मैंने ठीक उस टांगे वाले पर लगाया था, लेकिन वेटर का धक्का लगने से गोली झूमर पे जा लगी। इडियट। राजू, राजू। वो कमबख्त टांगे वाला रूबी की जान बचाकर उसकी नजरों में हीरो बन गया है, और हमारा सबसे बड़ा विलन
हमारी बेइज्जती करने के बावजूद भी हम उसे लेडी हेलेना की वजह से गिरफ्तार भी तो नहीं कर सकते। सुना रूबी जख्मी हो गई है, कैसी अब वो? शुक्र है वो बच गई है। उसके बचने का शुक्र कर सकते हो, बचाने वाले का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? जिस लड़के ने उसकी जान बचाई वो तुम्हारी नफरत का नहीं इनाम का हकदार है। कहां है रूबी? अपने कमरे में है। लेडी हेलेना ठीक कहती है, उसे इनाम दो और उसका ईमान खरीद लो, फिर वो बस्ती वालों का लीडर लीडर नहीं गद्दार कहलाएगा। और यही हमारी पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल। हाँ करेक्ट। भोगा जी, तुम कल जाकर उस तांगे वाले को इज्जत के साथ यहां ले आओ। जी बहुत अच्छा। ये ले लाला। अरे ठीक किया भैया, ये लक्की साहब के कपड़े थे। अबे काय का लक्की यार, जिसके लिए पैंट कर गया था उसके लिए तो बहुत अनलकी निकला। अबे घायल हो गए यार, मालूम घायल हो गए मालूम। अबे मोती, ए क्या बोलता है हैं? हाँ रूबी ठीक है, बहुत बढ़िया खबर ला है, बहुत बढ़िया खबर ला है। ए भाई लोग, अरे रूबी ठीक है, हिलाला रूबी ठीक है। ले मार मार। नहीं नहीं नहीं, हम भांग पीते हैं, हमारे लड़के की शादी में तुम आओ भांग पिला के चका चक कर दे। अरे लाला उतनी देर काय को हमको वेट करने का, हम तो आज ही चका चक हो जाएगा। गया हाँ, ये घोड़ी देखी नहीं कि खड़ा हो गया। अबे तेरे को कितनी बार समझाया कि ये विलायती घोड़ी है प्यारे, तेरे हाथ नहीं आने वाली। क्या कहा, इनसे बात करो? ठीक है बात कर लेता हूँ भाई, ठहर जा ठहर जा। मिस्टर लॉर्ड कर्जन साहब, अब आपसे क्या छुपाना, बात यह कि मेरे बादल का पेच लड़ गया आपकी घोड़ी के साथ। जी दीवाना हो गया है, रिश्ते के लिए हजारों देसी घोड़ियां दिखाई से, लेकिन नहीं साहब इधर ही आकर रुकता है, कहता है शादी करूंगा तो इसके साथ वरना सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहूंगा। देखिए करजन साहब, आप शायद नहीं जानते लेकिन आपकी घोड़ी हो गई है जवान, इससे पहले कि इसके पांव डगमगा जाए आप इसके पैर पीले कर दीजिए। हाँ नहीं सुनिए, देखिए आपके दादा परदादा हमारे देश में घूमने आए, हमने कुछ कहा नहीं, घूमते घूमते उन्होंने सारे मुल्क पे कब्जा कर लिया, हमने कुछ कहा नहीं, आपके गुनाहों से तंग आकर लोगों ने आपको यहां बिठा लिया, हमने कुछ कहा नहीं। भाई हम तो सिर्फ आपकी ये घोड़ी, अरे आपकी ये घोड़ी मांगने आए, ये तो दे दो। अबे अबे देख रहे ना, लेन देन की बात चल रही है, बीच में बड़बड़ कर रहा है इडियट। देखो करजन, देखो बेचारा जवानी में बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद हो गए बेचारे के। अब भाई उसकी नहीं तो कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। नहीं समझे, ठहरो। देख भैया करजू, ये मेरा छोटा भाई है, मरने से पहले इसकी माँ को मैंने वादा दिया था कि पहले इसकी शादी करूंगा बाद में अपनी। अब तू क्या चाहता है कि सारी जिंदगी मैं भी कुंवारा बैठा रहा हूं तेरी तरह? हाँ? एक बात जरा प्राइवेट में कहूं। अबे वो सुना तुम लोग साले हिंदुस्तान छोड़कर अपने मुल्क जाने वाले हो? मैं तो कहता हूं जाने से पहले एक अच्छा काम तो करते जाओ, कन्यादान कर दो, वरना किसी दिन मेरा बादल तुम्हारी घोड़ी को लेकर भाग गया ना तो फिर लटकते रह जाओगे। फिर भाई हमसे कंप्लेंट मत करना, नाक कट जाएगी तुम्हारी, बिरादरी में अपनी शक्ल नहीं दिखा पाओगे, लोग थूकेंगे तुम पर। अरे रोक 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 ऐसे। अरे
ए तांगे वाले भाई साहब, क्या बे? आपको मेयर हैरी ने बुलाया है। अबे देख नहीं रिया, कर्जू को पटा रहे हो? बहुत अर्जेंट काम है इसलिए बुलाया है। आपको इनाम देना चाहते हैं। तो क्या ऐसा क्या? ए, तुम ठहरना, हम अभी आता है। देख भाई कर्जू, तुम हिलना नहीं, इधर हिलना नहीं, इधर ही ठहरना, हम अभी आता है। ए, 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 आता है, आता है। अबे बोले, अबे इसमें ध्यान रखना है। अबे मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? इसने अगर इधर कहीं छेड़छाड़ की तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। चल उस तरफ। कहाँ जा रहे हैं हुजूर? चलना है क्या? कहाँ? कहाँ चला गया ये? क्या मालूम, चला देखते हैं। इतने से काम के लिए इतनी देर? अबे इधर, अबे इधर बैठा रहा हूं मैं। अबे इससे छोटी गाड़ी नहीं मिली क्या तुम लोगों को? चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, टाइम नहीं मेरे पास। अरे चलना। चल 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 चल। गाड़ी जल्दी चलाओ। जल्दी अंग्रेज के टट्टू। गाड़ी ले जाओ। क्या कर रहे हो? अरे चप्पल उतार रहे हैं, अंदर चल गई तो? ठीक है ठीक है। वेलकम वेलकम माय बॉय, वेलकम। जिस बहादुरी से तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है उसके लिए हम तुम्हारी कितनी भी तारीफ करें कम है। कम है तो करते जाओ। 420, 840 तक हम फ्री हैं, जितनी तारीफ करनी है करते जाओ, हम सुन रहे हैं। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, कम ऑन कम ऑन, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। बेटे इसे तुम अपना ही घर समझो। हाँ। अच्छा, तो क्या आप इस घर को छोड़कर बाहर बस्ती में बसने जा रहे हैं? वहां भी चले जाएंगे बेटे अगर तुम्हारी मदद मिली तो। अरे प्रॉमिस, एक ना एक दिन तो तुम्हें वहां पहुंचा कर ही रहूंगा। सुनो, कहीं तुम हमारी टांग तो नहीं खींच रहे? नहीं, फिलहाल तो मैं इनके गाल खींच रहा हूं। नॉटी बॉय, जॉली चैप, वेरी वेरी जॉली बॉय। साहब यकीन मानिए, लाइफ में मैं पहली बार इतना हंसा हूं। देखो बेटे, हम ये चाहते हैं कि तुम ये टांगे वांगे का घटिया काम छोड़ दो और आप लोगों के साथ मिलके कोई बढ़िया काम करूं ताकि आप जैसा बड़ा आदमी बन सको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये लो तुम्हारी बहादुरी का इनाम। अरे इतने सारे पैसे, मेरे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, जमा कहाँ करूंगा? इसे बैंक में जमा नहीं करते, ये ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी, काला पैसा। ओ चलो, आज ये तो पता चला कि गोरी सरकार के पास कुछ तो काला है। पैसा काला हो या सफेद, पैसा पैसा होता है। और इंसान काला हो तो इंसान नहीं, गोरा हो तो इंसान होता है। ची 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 ची, तुम भी कौन सी बेकार की बातों को लेकर बैठ गए हो? हैं, अरे इन पैसों से गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ या गरीबों को? नहीं बेटे, दोनों को। देखो राजू बेटे,
इन पैसों से अगर तुम एक बंगलो खरीदो और उस बंगलो के सामने गंदी बस्ती हो जैसे इस महल के सामने है तो तुम्हें कैसा लगेगा है? सवाल अच्छा है, इसके जवाब के लिए तो जरा सोचना पड़ेगा। एक छोटा मिलेगा? छोटा क्यों, पटियाला लो। सिर्फ पटियाला ही क्यों, हम तो सारा हिंदुस्तान लेंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम, नोट के लिए हो रहे हैं? अभी सुखाए देते हैं। अरे 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 ये क्या किया तुमने है? काले पैसे को काला कर दिया। सुना है कि कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं, मगर काला धंधा करने वालों के तो मुंह भी काले हो जाते हैं। What nonsense is this? क्या हुआ बेटे? अरे काले पैसे से खरीदने चले थे इंसान को, लेकिन हम वो बेईमान नहीं जो बेचते हैं अपना ईमान। शाबाश बेटे। नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला है साला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला जा साला। ए बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला। पैसे वाले तेरे हाथों पे लहू है, कहीं है रोती माता कहीं पे विधवा बहू है। अरे ओ पैसे वाले तेरे हाथों पे लहू है, कहीं है रोती माता कहीं पे विधवा बहू है। सबक इनकी तरह तू भी तड़प, हम पुलिस को रोज ही थोड़ा थोड़ा मरते हैं। शुरू से गरीब का ऐसा ही नसीब है, शुरू से गरीब का ऐसा ही नसीब है। दौलत तो दूर है बस खुदा ही करीब है। गरीबों के मुंह से तूने छीना निवाला, तेरे जुल्म सहकर हमने तुझको पाला वासाला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला। Thank you.
तेरे महलों के नीचे कई मजदूर कफन है, तेरे सर पे तो छत है, हमारे सर पे कफन है। तेरे महलों के नीचे कई मजदूर कफन है, तेरे सर पे तो छत है, हमारे सर पे कफन है। नोटों का बिस्तर तेरा पर नींद ना आए जरा, इन महलों में रहकर भी तू चैन नहीं पाता। टूटता बदन है अपना सारे दिन के काम से, टूटता बदन है अपना सारे दिन के काम से। तू भी कर ले थोड़ी मेहनत, सोएगा आराम से। क्यों सुबाहें बंद लग गया है ताला, मर्द की औलाद से पड़ा है पाला। आ साला बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला। ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटी तुम ये टेरेस पर क्या कर रही हो? बनिए मत डैडी, जिसने आपकी बेटी की जान बचाई आज आप उसी की जान लेने पे तुल गए हैं। जिसकी झोली चांदी से भरनी चाहिए आपको आज आप उसी के सीने में लोहे की गोली दागना चाहते हैं। इनाम में नोटों का बंडल दिया गया था उसे, मगर उसने उन्हीं नोटों को जलाकर उसकी राख से तुम्हारे डैडी का मुंह काला कर दिया। लोग तो कहते कि इनका मुंह उसी दिन काला हो गया जिस दिन इन्होंने अपने आप को और अपने मुल्क को बेच दिया। ये तो अपने देश में बैठे परदेसी बने हुए हैं। रुबी, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं है डैडी। ये तुम नहीं, वो ठेले वाला तुम्हारे मुंह से बोल रहा है। रूबी को तमाचा मारने से क्या होगा? अगर इस बीमारी को जड़ से काटना है तो उस टांगे वाले, अगर उस टांगे वाले को कुछ हुआ तो यहाँ से दो जनाजे उठेंगे, एक उस बस्ती से और दूसरा आपके इस महल से। तुम उस टांगे वाले के लिए अपनी जान देना चाहती हो जिसे शायद दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी? ऊपर वाला उसे भूखा जगाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं। इज्जत की कमाता है, इज्जत की खाता है, किसी के सामने अपना हाथ फैलाता नहीं। रूबी, रूबी, देखा देखा डायर साहब आपने, जिस लड़की को मैंने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, आज वही लड़की मुझे आंखें दिखा रही है। रूबी को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी शादी मेरे बेटे डैनी से कर दो। रूबी कमान की तरह टेढ़ी हो गई है, इससे मेरा बेटा तीर की तरह सीधा कर देगा। साहब, डैनी साहब, आपके सिपाही दो महीने पहले मेरे माँ बाप को अस्पताल ले गए थे, उनका आज तक कोई पता नहीं चला। बताइए ना साहब, कहाँ है वो, बताइए। तुम्हारे इन गंदे हाथों से हमारी एक टोपी मैली हो गई, अब इसे साफ कौन करेगा? लाइए मैं साफ कर देता हूं। ये लो। साहब देख क्या रहे हो, जाओ इसे धोके लाओ, जाओ। मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ डैनी साहब, मैं अंदर खींचा जा रहा हूँ। ये पानी नहीं, पानी के नीचे दलदल है। बहुत ख्वाहिश थी अपने माँ बाप से मिलने की, है? मुझे मरने से बचा लीजिए डैनी साहब, मैं नीचे धसा जा रहा हूँ डैनी साहब, मुझे बचा लीजिए। और कोई है जो अपने माँ बाप से मिलना चाहता है, है? कोई नहीं। बहुत कमजोर हैं ये हिंदुस्तानी गुलाम, डायर साहब से फोन पर कह दो कि यहां और गुलाम भेजे जाएं। यस सर।
मारो इन्हें। कहाँ जा रहे बेटी? उसी के पास जिसने मेरी जान बचाई थी। देखो बेटी, उस दिन का कहा सुना माफ। मैं चाहता हूं बेटी के थोड़े दिनों के लिए तुम डैनी के यहां चली जाओ, चेंज भी हो जाएगा और तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा। मैं इतने सालों से आपको नहीं समझ सकी तो कुछ ही दिनों में उस लड़के को कैसे समझूंगी जिसे आपने पसंद किया है। मैं वहां नहीं जाऊंगी। ऐसा ना हो बेटी कि मुझे जबरदस्ती तुम्हें वहां भेजने पड़े। जबरदस्ती? आप तो क्या, आपका युवस्को से कहो कि इसे डैनी के यहां ले जाए। चलिए मेरे साथ चलिए, आप आइए प्लीज। Come on. Leave me alone, Zbyszko, I said, leave me alone. Come on. Kill you, Zbyszko. ये क्या जुल्म है? बिना जुल्म के कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हुकूमत नहीं करता। वेलकम रूबी, वेलकम। तुम इन गरीबों का खून क्यों निकाल रहे हो? जो गुलाम काम करने के काबिल नहीं रहते, हम उनका सारा खून निकालकर इन बोतलों में बंद कर देते हैं ताकि बर्मा में लड़ने वाले हमारे अंग्रेज सिपाहियों की जान बचाई जा सके। तुम इंसान हो या जानवर? जनरल डायर का बेटा डैनी, और तुम्हारा होने वाला मंगेतर। तुम और मेरे मंगेतर? नहीं, तुम जैसे राक्षस के साथ तो मैं एक पल भी नहीं जी सकती। पल भर तो छोड़ो रानी, तुम्हें तो मेरे साथ जिंदगी बितानी है। इम्पॉसिबल। ये लाश देख रही हो, इसने भी यही कहा था। और जो कैदी यहां आते हैं वो दाने दाने और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं।
जल्दी प्यास लग गई आजाद सिंह, अभी परसों ही तो पानी पिलाया था। जितना पानी पिलाया गया था मुझे, उससे ज्यादा पसीना बहा चुका हूं मैं। यहां तुम्हें पानी की प्यास है और बाहर तुम्हारे कैदी भाइयों को रोटी की भूख। और तुम अच्छी तरह जानते हो आजाद सिंह कि जितना आटा तुम पीसते हो उतना ही उनको खाने को दिया जाता है। और अगर तुम्हें अपनी प्यास उन कैदी भाइयों की जान से ज्यादा प्यारी है, बेशक चक्की पीसना बंद कर दो, बेचारे भूखे मर जाएंगे। नहीं, मैं किसी कैदी को भूखे नहीं मरने दूंगा। जो चक्की 25 वर्षों से चल रही है, मैं उसे आखिरी सांस तक बंद नहीं होने दूंगा। मेरे हुक्म के बिना आजाद सिंह को पानी ना दिया जाए। बहुत प्यास लगा है राजा साहब, लो पानी पियो। आराम दादे, जूते से पानी पिलाता है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब तो पानी तुम्हें ऊपर वाला ही पिला सकता है आजाद सिंह। आजाद सिंह को पानी पिला रही है, चल। सर, इस औरत ने बिना इजाजत आजाद सिंह को पानी पिलाया है। इस औरत ने आजाद सिंह को पानी पिलाया है? यस सर। तो आजाद सिंह का भी फर्ज बनता है कि वो भी इसे कुछ खिलाए। Done enough. ले जाओ इस बुड्ढे को हॉस्पिटल, उसकी जगह पर बांध दो इस बुढ़िया को। चल बुढ़िया। मिल्टन, आजाद सिंह को ले जाए। औरत ने बिना इजाजत तुम्हें पानी पिलाने का जुर्म किया है। ये लो चाबुक और चलाओ उस पर। जिस औरत ने मुझे पानी पिलाया है, चाबुक के नहीं पूजा के काबुल है। वो मर्द ही क्या जो औरत पर वार करे। अगर तुमने ये चाबुक नहीं चलाया तो ये रिवॉल्वर चलेगा। पीठ पर वार करने वाले दम है तो चला सीने पर गोली। अब भी नहीं लोगे चाबुक? जितने यहां गुलाम हैं उनसे ज्यादा गोलियां हमारी। नहीं, इस औरत के जिस्म से इतना खून निकालो जितना इसने तुम्हें पानी पिलाया है। माफ करना देवी, मजबूर हूं। आजाद
सिंह, हम जानते हैं कोड़े तुमने इस औरत पर नहीं अपने दिल पर चलाए हैं, और यही तो हम चाहते थे। खोल दो इस बुढ़िया को और ले जाओ इसे। चलो राजा साहब, चलो। यहां जो आता है हमारी मर्जी से आता है और जाता भी हमारी मर्जी से, किसी की क्या मजाल के। डैनी साहब, रूबी मैम साहब कमरे से भाग गई हैं। क्या ज़बेस्को? यस सर। जाओ रूबी को पकड़ कर लाओ। ओके सर। इस लड़की ने तो नाक में दम कर दिया है। रुपए में अपने बेटे को बेच रहे हो, कल थोड़े से ज्यादा पैसे मिल गए तो अपनी धरती मां को भी बेच दोगे? दहेज दीमक होती है लाला, घर में बसने से पहले ही घर को खोखला कर देती है। तुम्हारी भी 6-6 बेटियां हैं, कल उनका दहेज देना पड़ेगा तुम्हें, जरा सोचो। मुझे माफ करना बेटे, मैं ये भूल गया था। राजू, अंग्रेज सिपाही हमारे पीछे लगे लाला, कहीं हमें छुपने की जगह मिल सकती है? कान खोल कर सुन लो समझी जी, 4000 से
एक पैसा कम नहीं होगा। बारात वापस मत ले जाओ। अरे मुझे माफ करना, मैं मुझे जीते जी मत मारो। तुम लोगों ने कोई लड़का लड़की आते हुए देखा है? आप आइए साहब, इंसाफ कीजिए। दहेज का भाव इतना बढ़ता रहा तो हिंदुस्तान की तारी की तारी लड़के फौरी रह जाए। हम इस दूल्हा दुल्हन की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बेटी रूबी और उस टांगे वाले राजू की बात कर रहे हैं। राजू टांगे वाले घोड़ी गोल सब आप आ गए, आपकी बेटी आ गई, हमारे लिए तो धन भाग। अरे राम कटोरी हम इस तंबू में देखेगा। अंदर मत जाओ, अंदर लड़कियां हैं। अब जाओ, कहा है रूबी? रूबी कहा है? रूबी आ नहीं है। एक लाख और लीजिए। इस तंबू में कोई नहीं है, मैं उस तंबू में देखता हूँ। सुन नहीं जाएगा साहब, साहब अंदर मत जाइए साहब, उधर दूल्हा है साहब। किधर किधर किधर? My
चुभंग दुल्हा बाहर दुल्हन अंदर बीच में ये गोरे बंदर मेरा कब होगा उद्घाटन जल्दी कई देना कई जबस्को, अपनी गोली जाया मत करो, इसे इसी दलदल में मरने दो। राजू, डरो नहीं राजू, अंदर तुम्हें सैकड़ों हिंदुस्तानी भाई मिलेंगे। We'll be right back.
पिस्तौल खींच। कोरा के साइया मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सकेगा जो तेरी होए। संभालिए अपनी बेटी को, उस तांगे वाले को तो मैंने खत्म कर दिया है। अगर दोबारा यहां से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी जिंदगी और मौत पर तो हुकूमत कर सकते हैं आप, लेकिन मेरे दिल पर नहीं। जिस दिल पर तुम्हें इतना गरूर है उसे जिस्म से निकाल कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम बाप हो या जल्लाद, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, मैं उसी टांगे वाले से प्यार करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। शट अप! पागल हो गई है ये बेवकूफ लड़की उस टांगे वाले के पीछे। छोड़ दो मुझे। होगा, उस टांगे वाले के खानदान को उस बस्ती से उठा दो। नहीं अंकल, ये काम गोगा नहीं, मैं खुद करूंगा। जमुना उठो, लो दवाई पी लो। मेरी चिंता छोड़िए, राजू का पता लग गई है, कल से वो घर नहीं आया। जिंदा होगा तो आएगा ना, रूबी के साथ इश्क लड़ाने चला था। और तू बुढ़े, सुना है उस दिन क्लब में साइमन और डायर साहब के साथ बड़े ऊंचे सुर में बात कर रहा था? जरा वो सुर हम भी तो सुने। बीमारों का वहां कोई काम नहीं। चला दो सारी बस्ती को। क्या हो गया मां? अंग्रेज सिपाही आकर तुम्हारे बापू को उठा ले गए और मुझे भट्टी में डालकर घर को आग लगा दी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मां, इसी आग से उनकी चिता जला दूंगा मां। नहीं बेटे, इससे पहले कि मौत अपनी चादर फैला दे, एक राज जो मैंने सीने में छुपाए रखा, आज तेरे सामने खोल रही हूं। वैसे तो तुम मुझे बेटे से भी ज्यादा प्यारे हो, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। ये क्या कह रही हूं? हाँ बेटे, बादल तुम्हें अनाथ आश्रम की झोली से उठा लाया था, इसी तरह परसों से खाली मेरी गोद आबाद हो गई। नहीं माँ, ऐसे मत कहो माँ, मुझे छोड़ के मत जाना माँ। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। मेरी बात आंसू मत बहाना बेटे,
तुम कहते थे ना, क्या क्या कहते थे? हाँ बोलो। जो जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं हो। मां जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं। नहीं धोएगा तो खाना नहीं खाएगा, ब्लडी इंडियन। क्या बात है बहन, आप खाना नहीं खा रही? समझ गया बहन, आज आपने अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखा है, मेरी बीवी ने भी रखा होगा मेरी सलामती के लिए। बरसों से न जाने कितने बेटों ने अपनी माओं की अस्थियां तुम्हारी इन पवित्र लहरों के हवाले किए, आज मैं भी कर रहा हूं। इसमें एक सुहागन के कंगन और एक अनाथ की आशाएं हैं। तुझ में तो इतनी शक्ति है मां कि तू हिमालय को समुंदर से मिला देती, इस बेटे को भी अपनी मां से मिला दे। गंगा मैया, मेरी मां जहां भी है इस कलश को उस तक पहुंचा दे मां। देवी जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसका देहांत हो गया। मरने से पहले उसने मुझे बता दिया था कि बादल मुझे अनाथ आश्रम की उस झोली से उठाकर लाया था यहां तुम मुझे छोड़ आई थी। मां, तुम्हारा बेटा राजू दुर्गा मां के मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जमुना,
राजू तुम्हारा बेटा है। ए बुड्ढा तुम सुनो नहीं क्या? उठाओ हराम खादे, अपने आप में से कहो छोड़ दे इनको, छोड़ कुत्ते, जाओ बहन चली जाओ यहां से, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। बेटे से कहना मेरा आशीर्वाद है उसे। दिखाए माँ की सूरत
मूरत उठा ले जाऊंगा मैं तेरी मूरत सब कुछ है धनवानों का निर्धन के बस मात पिता दौलत ये मेरी क्यों तूने छुपा ले माशरों वाले ओ माशरों वाले अपने भक्तों की तुझको पसंद दिल के सच्चों की तुझको पसंद तेरे बच्चों की तुझको पसंद ना अपनों को दे ये सजा ओ अपने भक्तों की तुझको पसंद ओ दिल के सच्चों की तुझको पसंद तेरे बच्चों की तुझको पसंद दे ये सजा ओ माशेरों वाली ओ माशक्तिशाली त्रिशूल तेरा उठा लूंगा चरणों पे सर को चढ़ा दूंगा रंग देगे तुझको लहू के लाली माशेरों वाली शेरों वाले दूरी मिटा दे माँ से मिला दे या मेरी माँ का रूप उधर ले रूप उधर ले रूप उधर ले मेरी मां है हाबित मां जी आप बोल सकती हैं देवी मां की कृपा से मेरी आवाज लौट आई और मेरा बेटा भी मां जी बल्ला मां बेटा मां मेरा लाल मेरा मुन्ना तुम्हें इस बात का बड़ा गुरूर था ना आजाद सिंह तुम्हारा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता मगर अब देखो तुम्हारा यह मगरूर सर कट कर कैसे हमारी जूतों की ठोकरों में गिरता है डैडी मैं जिंदों को मारता हूं और आप पुतलों को
अगर दिल की भड़ास निकाल ली है तो आप आजाद सिंह को खत्म क्यों नहीं करते? चाहता तो मैं भी यही हूं डैनी, लेकिन मजबूर हूं। ये हुस्नामा देखो, दिल्ली से वायसराय ने लेडी हेलना की सिफारिश पर भेजा है इस महीने की 26 तारीख को उसको रिहा कर दिया जाए। लेकिन डैनी साहब, अगर आजाद सिंह यहाँ से जिंदा बच निकला तो ये हमारी सबसे बड़ी शिकायत होगी। डैनी साहब, बस्ती से खबर है कि राजू तांगे वाला जिंदा है। क्या? हाँ, और वो औरत यहाँ से जो भागी थी वो उसकी माँ है और आजाद सिंह उसका बाप। वो आजाद सिंह का बेटा है तो अपने बाप को छुड़ाने जरूर आएगा। आशीर्वाद दो माँ। जीते रहो बेटे, संभल कर जाना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। फिक्र मत करो माँ, जाकोरा के साइयां मार सके न कोई। चल बादल। सिंह का और महल की काल कोठरी में कौन हो तुम? पिताजी, मैं आपका बेटा राजू, आपको रिहा करने आया हूं। और इस पे हाथों जाता पिताजी, ये क्या? साइमन खा गया ना नकाब का धोखा। वो जानवर तुमसे ज्यादा समझदार निकला। वेलकम टांगे वाला। तुम्हारी मां ने तुम्हें सही जगह भेजा है। वो खुद तो यहां से बचकर भाग गई, मगर तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। ले जाओ उसे। देखा आप लोगों ने कैसा फंसाया उसे? शाबाश बेटे डैनी, तुम्हारे नकाबों के खेल ने तो कमाल कर दिखाया। आप लोग आजाद सिंह को मारकर अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते थे ना? मैंने बाप और बेटे दोनों को खत्म करने का प्लान बनाया है। वो कैसे? कल आप आजाद सिंह को ब्लड बैंक ले आइए। डूब मरो बेरहम। तुम अपने उन भाइयों का खून निकाल रहे हो जो पहले से मरे हुए हैं। ये तो चंद गुलामों का खून है जो मैंने निकाला है। मेरे मालिक अगर हुक्म दें तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों का खून निकालकर मैं इनके पैरों को भी धो सकता हूं। नाली के कीड़े और हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों की जिंदगियों में क्या फर्क है? इस वक्त मैं जंजीरों में बंधा नहीं होता तो तुम्हें बताता कि जिस देश में तुम जैसे कीड़े पैदा होते हैं वहां हजारों माएं शेरों को भी जन्म देती हैं।
तुम्हारी तो सिर्फ खाल शेर की बाकी रह गई है आजाद सिंह। गोश्त चबाने वाले दांत तो तुम्हारे कब के टूट चुके हैं। मेरे लिए तुम्हारी गरज बिल्ली की म्याऊं से ज्यादा भयानक नहीं। कह दो अपने मालकों से मुझे एक मिनट के लिए आजाद कर दें, फिर देखना जिन अंग्रेजों ने तुम्हारा जमीर खरीदा है वो तुम्हारी बोटियां किस भाव से खरीदते हैं। जब सलामत नहीं राजू। मेरे मालिक, मेरी सरकार, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस गुलाम की खाल को नोचकर उससे बने हुए जूतों से आपके पैरों की शोभा बढ़ा सकता हूं। जो आजाद सिंह तुम्हें मंजूर है, अगर यह मौका मुझे दिया गया तो मैं समझूंगा मेरे दुश्मन का पहला एहसान है मुझ पर। तो ठीक है आजाद सिंह, तुम्हें कल ही मौका दिया जाएगा। आज इसके जिस्म से खून ना निकाला जाए क्योंकि कल मैदान जंग में इसका सारा खून निकल जाएगा। ले जाओ इसे। वेल डन ज़बिस्को, वेल डन। आजाद सिंह को तो तुमने भड़का दिया, लेकिन बाप के खिलाफ लड़ने के लिए बेटे को कैसे तैयार करोगे? टांगे वाले, कल अरीना में आजाद सिंह और तुम्हारे बीच लड़ाई होगी और उसका फैसला एक की मौत और दूसरे की आजादी से होगा। इससे बड़ी खुशकिस्मती एक बेटे के लिए और क्या हो सकती है कि वो अपनी जान देकर अपने बाप को आजाद कराए। इसका मतलब है कि तुम बिना लड़े ही अपनी जान दे दोगे? एक जान तो क्या हैरी, मां बाप के चरणों में अपने सातों जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मैं। इतनी जल्दी हम तुम्हें कुर्बान होने नहीं देंगे। हम तुम्हें उस वक्त तक तड़पाते रहेंगे जब तक तुम लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हरी, ये ऐसे नहीं मानेगा। ले जाओ। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक तो। जय माता दी, जय माता दी। इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो राजू का बच्चा लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, और अगर हम उसे जबरदस्ती लड़ने के लिए ले भी जाते हैं तो वो अपने बाप के कदमों पर अपना सर रख देगा और आजाद सिंह की हत्या पर कभी वार नहीं करेगा। करेगा, लेकिन कल एरिना में असली आजाद सिंह नहीं नकली आजाद सिंह होगा। और किसी को शक ना पड़े डैडी, वो वहां बातें भी देशभक्ति की ही करेगा। वाह वाह, अब तो राजू को कोई नहीं बचा सकता। देखा मेरे होने वाले दामाद को? आपकी बेटी उसे बचाने की कोशिश करेगी। जिंदा देखकर तो मेरी जान में जान आ गई। सुनो, कल अगर तुम आजाद सिंह से नहीं लड़ोगे तो वो बहादुरी नहीं खुदकुशी होगी। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने इन हाथों को अपने बाप के खून से रंग दूं? नहीं राजू, मैं उनका प्लान सुनकर आई हूँ।
कल जो आदमी तुमसे लड़ने वाला है वो तुम्हारे पिताजी का नकाब पहने उन्हीं का आदमी होगा। ओ, इसी नकाब के धोखे में आकर तुम्हें यहां कैद हूं। फिक्र मत करो रूबी, जो आदमी कल मुझसे लड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने कमरे में ना पाकर वो लोग यहाँ आ जाएंगे। रूबी, हाँ? मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनका पता लगाना तुम मुझ पर छोड़ दो। वेरी गुड रूबी, जो खबर हम राजू को पहुंचाना चाहते थे तुमने पहुंचाकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि कल अरीना में नकली आजाद सिंह नहीं असली आजाद सिंह होगा। अब आजाद सिंह को लेडी हेलेना भी नहीं बचा सकती। मुझे लेडी हेलेना से मिलना है। आप कौन हैं? मैं राजा आजाद सिंह की बीवी हूं। आजाद सिंह की बीवी आपसे मिलना चाहती है। ओके, आइए। नमस्ते लेडी हेलेना, मैं आपके सामने एक फरियाद लेकर आई हूं। आपको शायद नहीं मालूम, मेरे पति आजाद सिंह के साथ कैद में गुलामों से भी बदतर सुलूक किया जा रहा है। मेरा बेटा राजू, जो अपने बाप को जुल्म से रिहा करने गया था, वो भी अभी तक नहीं लौटा। अब आप ही कुछ कीजिए, आपने हमेशा हमारी मदद की है लेडी हेलेना। इसीलिए तो आज इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें अपने पति और बेटे से मिलना है ना? चलो ले चलते हैं, लेकिन तुम्हें जिंदा एक ही मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। राजा साहब। राजा का अंजाम कहां है? उस धरती मां के माथे पर लगा कलंक। कलंक नहीं, इस मां के माथे का तिलक। मेरी तलवार जब भी उठी है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उठी है, लेकिन आज ये तलवार तो जैसे गद्दार की बलि चढ़ाने के लिए उठेगी। मेरे सर पर जब तक मेरे मां बाप का आशीर्वाद है, लोहे की तलवार तो क्या आसमान से गिरने वाली बिजली अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्लडी इंडियंस। हत्थे पर वार नहीं करता, उठा तलवार। अब मालूम हुआ, इंसान के जिस्म से खून निकलता है तो कैसा दर्द होता है? मर्द को दर्द नहीं होता। Oh!
तुम्हारे सीने पर यह मर्द किसने लिखा है? एक मर्द के अलावा और कौन लिख सकता है? ये लो, ये मर्द का बच्चा भी नेहत्ते व्यवहार नहीं करता। क्यों, दर्द हुआ? दर्द तो कल हुआ था बेटे, जब तुम अपने ही भाइयों के जिस्म से खून निकाल रहे थे। वो मैं नहीं, मेरे नकाब में कोई और होगा। मेरे बाप का नकाब पहनकर शक्ल तो ले ली उनकी, अब उनकी जबान भी बोलने लगे। खून चेहरे पर नकाब होता बेटे तो टूटता, उससे खून नहीं निकलता। लेकिन लड़ना इस तरह जारी रखो, वरना दुश्मन को पता चल जाएगा हम एक दूसरे को पहचान चुके हैं। लेकिन अब मैं आप पर वार कैसे करूं पिताजी? करना ही होगा, मेरे जिस्म की हर बूंद जमीन पर गिरेगी, कहेगी जीते रहो बेटा। आशीर्वाद दो पिताजी। जीत रहो बेटे, आ बेटे। Fire!
माटी के साथ तूने गद्दारी की, आज वही माटी तुझसे अपना हिसाब चुका रही है। हरी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेडी हेल्ला एक और दुश्मन को इस दुनिया से उठाना। ये तो दांगा वाला नहीं, ये तो अपना डैनी है। डैनी साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो डैनी साहब। डैनी साहब, डैनी साहब, अरे डैनी साहब बचाओ मुझे, अरे बचाओ डैनी साहब, नहीं मैं मर जाऊंगा डैनी साहब। अरे तूने जिंदा जला डाला, ये उन गरीबों के लिए जिनको तूने बेमौत मारा, ये मेरे बाप के लिए जिससे तूने बरसों चक्की चलवाई, मेरे माँ बाप पर तूने कोड़े बरसाए, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जिंदा। साले अंग्रेज की औलाद। रूबी, रूबी हजन हजन रूबी, मुझे बचा लो राजू, कितने बचा, मुझे बचा लो राजू। रूबी क्या हुआ तुम्हें?
समझ गया समझ गया समझ गया। चल कर्दन साहब से तेरी सिफारिश करता हूँ। साहब, अरे जरा इसकी आंखों में देखो, मुझसे कह रहा अपनी तो शादी कर ली, मुझे कुंवारा का कुंवारा छोड़ दिया। अरे जाते जाते इसका घर तो बसाते जाओ, किसी दिन तुम्हारी घोड़ी इसके साथ भाग गई ना तो वहीं पर तो लटकते रह जाओगे। अरे बादल रुक जा। अरे क्यों भाई करजू, क्या कहा था मैंने? भाग गई ना तेरी घोड़ी, रह गया ना लटकता हुआ। अबे तू तो लटका था लगता, मेरे को भी आ बेटे, बैठ मेरे कंधे पर। अरे आपके हाँ हाँ बैठ। अरे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला।